अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज सुबह सुबह यकूब साहब का मैसेज आया, पता नहीं सोते भी है या नहीं सोते। इनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। जी यकूब साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जवेद साहब, तुहानू भी, तुहाडी पूरी टीम नू और सारे पाकिस्तानियों जिथे जिथे हैं, अल्लाह ताला खुश वालेकुम सलाम। रखे। सब तो पहले अर्ज है भी जरा सब कह ना, जे कुछ बंद जो कुरान की आ रही है मसले हदीस से, तो मैं चाहना कि असी गल करिए छोटी जी जी अपने ना इंसानियत है गल रखिए, जी मजहब की गल है। मैं तुम साफ किया, मैं सुनी हनफी बरेलवी, मैं तरीके बैठता। अगर किसी बंद इतराज है तो मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। जवेद साहब, अज तक सुने थे कि मैं किसी भी मसल को टारगेट किया हो या किसी तोहीन नहीं, की हो या किसी के खिलाफ बोलिया वा, नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं। लेकिन मैं पिछली बार जी गल की वो सुनने वालों समझ आ गई होगी, उन्होंने तकलीफ हुई हो मैं तकलीफ का माफ दिखाव। मैं अज तो बाद जवेद साहब वो ही गल करा। मैं तो दसा कि मेरा यह मसल है, मैं तरीके बैक करा, मैं सुनी हनफी बरेलवी है, बाकी मैं किसी की गल नहीं करता, मैं इंसानियत की गल करना। क्यों? अच्छा, पर मैं भी दस रहा, साढ़े एक कमजोरी जवेद साहब, यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे है, सारिया जिन्हिया यहूदी निकले ना, विचों ईसाई निकले ना, विचों मुसलमान निकले ना, अगू मुसलमान विचों फिरके निकले ना। गल तो यही है, जिन्हें मने वह बेड़ा पार कर, नहीं मने सब आप आपको सच्चा देना। अल्लाह तला अपने प्यारे हबीब के सदके को छाननी है, छाननी लाएगा जेड़ा चंगा, जेड़े पास आटा वखरा हो जाएगा, छान वखरा हो जाएगा। तो मैं अर्ज करना पे जवेद साहब, जोड़े बनते हैं, तुम हुक्म करते सुनो। मैं बीवी की बीवी मेरी चिट्टी अनपढ़ पेंडू बंदा साधा, बेगम साहिबा भी सियासत च हिस्सा लेंदे ने या नहीं, ते उहदा जवाब देण लगे। अच्छा, हुण दिओ जवाब। मैं अर्ज करना पिया भाई, वह सियासत च हिस्सा लैंदी है, इतना की लैंदी है जिन्हू देखो ना। मैं तुम्हें ना अल खबीस साहब तो लेल खबीस ही ने, जेफो जे मर्द ने एफो जो बीवियां रब देंदा, उन्होंने जोड़ समान से बनते हैं। मैं ये मेरा जिंदगी का निचोड़ जी अपना जवेद साहब, जेड़ा मर्द आराम ना खाना चाहता, वह जनानी जी है 90% औरत जो हथ होंगे। जे औरत हो ना 10% गलत, जना 100% गलत हो जाता है। जनानी को पता होंगे जना मेरा कहड़ा काम करता है, इन्नी किन्नी कमाई हो। पुराने जमाने दौर कोई नहीं अनपढ़, अच्कल जनानियां पढ़िया, कोई ना कोई तीप है, माड़ी तो माड़ी भी। मैं तो मेरी बीवी अनपढ़ बाकी लोग अच्कल धीम भर 10, 12, 14 जमात पढ़ी हैं सारी माड़िया, उनकी माड़िया मैट्रिक के कीते है। तो साडे जमाने तकते होंगे घड़ी घड़ा कड़ा चंकी माजदी है, छूना कड़ा साफ रखती है, वेले भारी कि चंकी मारती है। ये जाके जो रिश्ता माइया तकन जाती है तो उन्होंने चुनाव होंगी है, कारा के दसवीं आदि कुड़ी के घड़े बड़े चमके जिसके कुट होए हैं। तो मेरा अर्ज करना मतलब है, जो जहाँ खामद होंगे ना, जो औरत बंद आखन वालम दौ बचे, क्यों अपनी आकत भी खराब कर दौ, सानू भी आराम खवाते हो, औलादी भी आराम खवाते हो, और थोड़ी तनखा की है, आमदन किनी है, तुम जेवर कोठिया मालिक कितों बनाए ने। हम जो बाजवे की दरानी हलाल की होंगी, हरामी ना होंगी, तो बाजवे ने कहती दलिया तुझे अरबा किठा किते कितों किता ही, तेरी तनखा किनी है, तू जरनल है। उस तनखा जो था मकान भी है, बच्चे भी पाल लेने, पढ़ाने भी ने, जुत्ती कपड़ा लेना, तू जी हराम ददगी कर रहा पिया, ये जी जन्म कट्ठी कर रहा पिया। हम तो बाकी गल फिर करने, मैं तुम आसमें मुनाफक की गल सुना ना, वजे इनी बीवी हलाल की हो, इनू आखे व तेरा प्यो एक गदा मंग के तेन उन्हें पालिया, वह पूरे महल का गदा मंगते हैं, कोई पता नहीं असं कितों आए हैं, साडा मजहब के है, साडी नसल की है, असी पिछू गदा मंगते डेरी असल पिंडिया डेरा लाया, इतने तेरे प्यो ने माड़ी जी मसीत बनाई, तू मदरसे पिया, तेन वो आ रहा जी, मैं इन लोग हाफ दस देने। लो जी, मैं 5 बार हिफ किए, जवेद साहब भुल गए, 58 साल 12 साल लाया ना, तो मैं मैट्रिक किए, मैं स्कूल पढ़ दिया, तो सवेरे मैं मस्जिद अपने उस्तादों को सबक पढ़ के जाते हैं, मैं 3 सपारे हिफ किए ने, 28 या 29 या 30 पहला दूजा। मैं चैलेंज करना इन आसम मुनाफक न, सूरत बखरा भी सुनाए, 2 सपारे 3 सपारे खत्म होते, मैं भी सुना टीवी से, मेरा नाम काबला कर ले, मैं तकना हाफज के अपन बखैर था बड़ा व्डा हाफसे कुरान हो सैयद छो सैयद ऐसी शक्ल लं दस दी पी इन्हें कुरान पढ़े आवे ये कवे मैं क्यों आराम खाना, मैं पूरे मुल्क नु सूली दे टंगिया, मेरी औकात 2 रुपए की नहीं, मैं 2 बारी PM काकूल चो रिजेक्ट होया, मैं लफ्तार भर्ती नहीं होया, मेरा कुदरती डा लगा, मैं लोगों ने कपूरे साफ करके से पहुंचा, जो अगे जो जन्मी गया और रिछ उन्होंने मैं फॉलो कर काम है, जो आमदा जे इन अपनी अकबल चाहिए होंगी, इंसानियत चाहिए होंगी, ये आमद्या काम करता, कहता बाजवा जो कर गया जन्म जाए।
मेरा काम यह मैं इस काबिल ही नहीं है, मैं पेंशन हो गया, रिटायर हो गया, मेरा काम केड़ा? एक दल का पुत्र है दो दलाल वो नस के बैठे है उसे सारे कैमोफ्लाज किए हैं। बंबई स्टूडियो के सौदे ने दाल लग गया सारा मुल्क खा के ना के पूरा इहदा काम है कहना इहदा कोई काम नहीं है। मैं सवेरे पढ़ते मोबाइल जब देखिया प्रोग्राम चल दिया पिया भाई ये काना है उसका मरियम का पता नहीं कदू काना हो गया काना होने काबल का नहीं जिसने ये काना होया कहते मैं नहीं समझ आया कि काना हो गया ना मारिया मैं तो मेरा गंद है गंद कपड़े में नंगी है सारी बेहाई औरत है काम है जवेद साहब जी हलाल जरा वर्का होंगे ना कहता मेरा दाल लग गया मैं इतने तक पहुंच गया जनरल की पेंशन ला चुका घर जाके बह जा इन्हें मनसूबा लम्मा सोच लिया इन्हें सोचा कि मैं तेरा चौदह बाबे ज्याह की मुशरफ की है हर बंद नसीबा जी तू बाबे ज्याह मुशरफ उन्हें सौ गलती आएगी पर तेरे नाल ते बगैरत नहीं है जो तू करना पा तू इस वे तेरी सारे आते ने चार पांच शादी की क्रीम नहीं आती थी उल्टी की शक्ल वेखी है जो जीभ होठा से मारता है आसमे की आई एस पी आर नवा आ गया ना अहमद शरीफ है मेरा ना अहमद है मेरे निका भरा फौत हो गया जलसी पर ना शरीफ आया और ना इन्हें साढ़े रखे ने आता चूड़िया लिया है ना इन्हें अहमद अभी मेरे बच्चे भी अहमद ही है सारे मैं ना मेरी धीए का भी अहमद लगता है क्योंकि मेरा तखलस है मैं नबी बाग मनने वाला बंदा मेरे मेरे ना यकूब अहमद है मेरे बच्चे ना भी हर बच्चे का ना तो अहमद है पूरा सारा फैमिली नाम है मेरा भरा छोटा वह नाम मोहम्मद शरीफ आया तो साढ़े ना साढ़े रखे आदत चूड़िया लिया दसो ना किंजो टीवी से बैग बोलना दुनिया और जमाना चला गया ये आसमा है खाली पीटीवी का जेड़ी फौज है तेरे बाप की फौज है तेरे पुत्र शहीद हो तू शहीद तेरे खानदान चु शहीद हो मुरतद हो मरदूद हो शहीद लोगों के बच्चे लोगों की जनानियां छोटी सादियां बुढ़िया बंदे पुत्र बार्डर के सिपाही लेफ्टिनेंट कप्तान शहीद होने तुम बुढ़िया को लैम दो पंप मार के आके पे आते हैं साढ़े शहीद और किसी बंदे दवाई खुदा जी किसी बंदे हमला नहीं किया हाँ बिच कोई बंदे साधे चले है ना लाई लग तुर गए होंगे इन्हों का प्लांटेड प्रोग्राम आया जवेद साहब मैं कहना किसी जरूरत नहीं और छावनी चिड़ी वर जाए बंदा जे साड़ी फौज चार पांच हजार बंदा शहरों लाहौर डोले जो लाहौर छावनी नहीं पजा सकती तो इन्हें इंडिया का टैंक नहीं रोक लिया दो त्रै सौ टैंक दवाई जा किसी बंदे की पाकिस्तान से हमला कर जाए पाकिस्तान से कोई दुनिया की तक हमला नहीं कर सकती बगैरता दलिया ने असं दुनिया का एक नंबर मुल्क है साड़ी दुनिया की एक नंबर फौज है जरा सानू ना कुत्ते वो फौज के बच्चे तो साडे ने तेरे बाप दे लो फौज साड़ी है सिपाही तू लागे कर्नल तक साड़िया रैफर के सिर से तू गद्दा कर पेने मौलवी ने मुड़े साडे मुल्क में आजा की सुन ल मेरी फौज सारी गल तू स इतने रहना तो कौन ना सके बेल्जियम ना जर्मनी से ना तो उसे जाना है जिसे दला गए क्या लुट के मुल्क सूर का बच्चा अपनी जन्म खरीद के अपने वास्ते हो तो इतने रहना है ये मुल्क रब ने बड़ा प्यारा मुल्क दिता है साढ़े तो रब का बड़ा खास कर्म है मैं तो खुदा की कसम जवेद साहब तेती साल यूरोप हो गए इतने गुलाब के फुल की खुशबू नहीं साढ़ा जरा खब्बल का खुरपे करके मजा न पाने ना सवेरे मैं बाहर निकलिया अज भी मेरे नक्के च मैं खुशबू आती त्रेल पई होती ना तो मैं बाहर अपने बन्ने ले जांदा कल भी बायरा रखना अल्लाह की कसम जी खुशबू आती उस खुशबू में मैं इतने तरसदा जी यूरोप की जवे साहब मेरे घर का मैं बाहर निकलना गोरिया उन्हें बड़े गुलाब के फुल लाए ने मैं भी बारी गेरे नजदीक मूह करना मैं खुशबू नहीं आ मैं खुशबू अपने मुल्क की खब्बल का भी खुशबू आती और जी मैं कहना सुबह केड़ी एक चीज सारी खुशबू दस टाइम खत्म हो जाता है तो मैं अर्ज करना पिया ये सोचना चाहिए जजा अपनी अकबत खराब ना करो एक नंबर गल जरा दो बंदे ने जब तक नवाज शरीफ शबाजा साका डार ए दुआले दो काबू आए ने इन्होंने जरा लसन जहाज पायलट खड़ेगा ना वह जननी है इन्होंने लसन नहीं है जरा खोता तो आता ही नहीं याद रखो मेरी गल उन्हें नवाज शरीफ का या जरा एक काजी फाज से इन्हें साफ दिता इन्हें अरबा रुपये की उस प्रॉपर्टी ली है खरबा रुपये का दीदी केस रोड़िया
इस्लामाबाद ऐसा जलजला ना आवे कि उतला हेठ से ऐसा उच्ची हो जाए। एक किन बैठे ने पार्लीमेंट मैं तो सोच सोच के पागल हो गया। वो किसे नु गैरत नहीं पी आंदी? कम अज कम 200-250 बंदा पार्लीमेंट एक बंदे नु आज तक गैरत नहीं सवाए चौधरी एतराज हासन तू ते चौधरी और लतीफ खोसे तू ते एक मुड़ा मुस्तफा नवाज खोखर है कराची। ए त्रै बंदे हीरो जे साडे पाकिस्तान दे। चलो जेहड़े नाल तियां पहले डकियां होईयां मर्द ओह ते बड़े उहनां नाल ही फिर जवेद साहब टाइम जाया हो जांदा। मैं गल करना पिया जेहड़े ओपनर छड के अपनी गैरत दे तौर ते जिन्हें आख्या कि पीपल पार्टी कम गलत कर रही है। त्रैवे पीपल पार्टी जो आए ने नू लीग तो एक नू खुदा ने तौफीक दी थी गैरत नहीं खादी। ये परवेज लाई अंदर ही है, परवेज लाई अंदर ही है, जमानत नहीं हो रही। वो कहंदे ने जे कोई बंदा मेरी कोई बंदा गल सुनदा मेरा बुजुर्ग है मेरा वड्डा भरा है मैं दो दफा खाना बह के खादा चोरी परवेज इन्हों की कोठी लाहौर गुरुद्वारे को सियाण लगा मेरा नाम पैदा पहुंचा दियो कि जेड़ा मुरीद भी हाँ मैं ड्राइवर या पीर हमेशा साहब गुजराती रात को मौलवी यकूब जरा जट थोड़ा भरा है मेरे पीर तारफ कराते हैं परवेज लाई तू अमीर है गरीब है गरीब को तेरे जिन्हें पैसे होने अल्लाह की कसम तुझे को बहन के काबल का भी नहीं है। इन्ना वरियाम है मैं जो ऐसा पैसे में मुहब्बत नहीं सारी जिंदगी थी मुझे बड़े मौके मिले जे मैं करोड़ों पति हो सकते हैं मैं नहीं मेरी औलाद हो सकती मैं औलाद भी नहीं होने दिता पिया। मैं उन्होंने कोई नसीहत करना पुत्र आराम ना कर पैसा ना लिया आज नेक औलाद छड़ जाइए सड़क जा रही है मैं मर जाना तो मैं कब्र च फरिश्ते कुटन ना पर तू कि भैड़ी औलाद छड़ा है ताकि मैं भावे जो तुम नेक लाल दी कमाई होगी नमाज पढ़ोगे हर हफ्ता ही आदमी मां बाप बख्शी दुआ है तो मैं सिला मिलेगा वह नेक औलाद छड़ा मैं पुत्र आराम नहीं है कमाना जेडे जरदारी अली नवाज शरीफ जन्मी लोग बगैर गैरत ना की चीज नहीं अगर शुभा नवाज जरदारी गैरत ना का एक वाल आवे कोई बंद फालो फालो पे करते ना वो बहुते बगैरत ने कंजर ने। परवेज लाई तक जेड़ा मेरा भरा सुनदा मेरा मेरा पीर भाई गुजरात परवेज लाई नूं सुनेहा दिओ बाहर हुई हूं, अंदर हुई हूं, मेरा ईमान है जब तेरी वक्त आमने आखरी तू मरना उंज नहीं मर तेन कोई बंदा मार नहीं सकता तेरी जिंदगी मौत रब कोल है तू बड़ी तू अपने सुन ला समझ ला तू अपने गुनाह माफ करा ले चौधरी शुजात वधांदा पिया तू अपने गुनाह बिल्कुल रब कोल माफ जी तू तकलीफ चक ना पे रोज तू समझ ला तेरे जिंदगी के गुनाह हो सारे झिड़ते ने पे डटिया रहो मेरा ईमान है इन शाला सर्दी हुई है लो लगने वाली ठीक है। अच्छा एक सवाल है वो कहते हैं कि तुसी जिहड़ी नवी पार्टी बनी है ना उहदे विच शामिल हो जाओ इमरान खान नूं छड्ड दिओ ते फिर तुहाडे उत्ते कोई उह जनाह हाउस का केस नहीं पड़ेगा कोई मिलटरी कोर्ट नहीं चलेगा ये कहो जिहा कानून है आईन है कि जे तुसी उस पार्टी च चल जाओ ते केस खत्म हो जांदे ने। जवेद साहब सीधी गल है कोई मुल्क च कानून नहीं है कोई मुल्क च अदालत नहीं है मैनूं उह गल याद आउंदी है खमीनी दी खमीनी ने किसी एक दफा गया ईरान च जो रजा शाह पहले भी हुकूमत आई पर तू एक कम कर जाके केस कर दे अदालत में उन्होंने कहा मैं अदालत केस की करा हुकूमत ही नहीं जायज है अदालत कदू जायज होती है यह वक्त है पक्षों के ये मैं कहना इमरान खान की यकीन करो अद तू वध के शराफ यकीन करता पे अदालत जिस अदालत की काजी फाइजी साहब बैठे पे जिथे आमर फरूक गल कर पाकिस्तान के हालात से नहीं बदलते पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फैसले से नहीं होते ना जबानी इतने मैं रोक हकीकत है जवेद साहब 100% गल कर दे पर मैं प्याना वो आज गिरते तिनके का सहारा हो जाता है वह किसी वेले कोई गलत जेले बाकी सत अठ जे जज ने जिस तरह जनरल तो 200 है ना लेकिन जो 150 से कम जरफ है दे जमीर है अकल तू आ रही है। मैं एक गल है मेरे फौजी भरावान माड़ी ना लगे तो मैं गल कर सकना मैं कोई नहीं किसी कर लगा मैं सुनी थाने ना बैठे हाँ एक बंदे को तो मैं कर सकता तो पर कच्ची हुई तो मैं भी ना सुन दिया पाया उन्हें आख्या वह फौज एम ए पढ़ा के भर्ती करिए तो बेवकूफ हो जाता है
पुलिस चिट्टा अनपढ़ जाहिर सफाई भर्ती कराई है तो वह दाना प्रहार बन जाता है। और एक बंदे क्या वह कि गल है, उन्हें कहा पुलिस वाले भावे आते ही थोड़े पढ़े ना बेवकूफ ने गरीबा के पुत्र आते हैं, लेकिन यह रोज थाने रहते हैं, रंग रंग दियां भरियां कच्ची होंगी, चुजा कच्ची होंगी, गवेड़ लगते हैं, सुन सुन के सलासर हो जाते हैं। फौज किन्ना भी काबिल बच्चा वे लायक आवे नेक आवे, यह जरा कानून चल रहा पा पाकिस्तानी फौज गुलामाना दौर का कानून चल रहा, मुसलमाना का कानून बने ही नहीं। यह कोई सलाहउद्दीन अय्यूबी की फौज नहीं, यह कोई हज़रत उमर फारूक की फौज नहीं, हज़रत अली शेर खुदा की फौज नहीं, उन्हें क्या गुलामाना फौज है। यह जो लेफ्टिनेंट भर्ती होंगे ना इन्हों को मरवा मरवा के ना बूट जमीन के उत्ते इन्हों के दिमाग तक गर्मी कर सकते हैं, इसे गुलामाना जेल हो जाते हैं। सुनते मेरी गल पे, तो इस वास्ते इन्हों नौकरी होती है मेरी तरक्की आए, यह नहीं पता होता मेरे जो 150 जनरल है बगैर तैयार बारह हो जाए, इन्हों अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। जे 11-12 जनरल है, फौज साड़ी पाकिस्तान की, मुल्क साड़ा पाकिस्तान, चलो ठीक है, टैक्स असीं पे देने आ जी। बहुत हो गया लंबा प्रोग्राम, एक मिनट आखिरी गल है, मैं गल टैक्स असी देने पे साड़ी फौज के सिर पर, साड़िया सिपाहियों के सिर पर, साड़िया कप्तानों के सिर पर, रैफलां साड़िया एक आसमान मुनाफक दो टके का मौलवी का बंदा 11-12 कुत्ते जनरल ला के साडा मुल्क ने हाईजैक किए, यह दूजा जनरल में सुन चाहिए, रोज का 1.5 अरब रुपया नुकसान कर रहे हैं, सारे सासे निकले ने पे, ए जनरल हो ए जजो गलत खाओ तुम नहीं बात दसना, इन्होंने रहना ही नहीं, इन्हें जो एक दिन नहीं रहना और इन्हें लभना भी नहीं। मैं कप्ताना के बार बार अपील करना जो पायलट हो इन्हों नसाए हो ना, तुम भी जमनी हो फिर, चलो इन्हों इतने रह इन खड़ ला नहीं बार, अल्लाह दे वाले, अस्सलाम वालेकुम। लादरी मैंने इतनी दवा का गाली नहीं निकालनी, ये बड़े मसला हो जाता है, अब ये काटने के लिए काफ़ी काम हमारे लिए बढ़ जाता है, पूरी वीडियो चेक करनी पड़ती है। असल में वही प्रॉब्लम है कि लोग मुफतन से तो मोहब्बत करते हैं, बस नहीं चल रहा। कल मोदी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, तकरीर थी शायद, उसने कहा कि पहले तो इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर आके जब वो बम्बई हमले हुए थे करके तो चले गए थे, खामोश रहे थे हम, इस दफ़ा अगर ये हमले करेंगे तो फिर इनको हम सबक सिखाएंगे। ये बड़ा एक अहम पैगाम दिया मोदी ने। देखते हैं DGI SPR की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है या वो आजकल कोई कर्जा मिला है डॉलर शालर का रेट बताने आ जाए साहब किसी बहाने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।